हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ एक लेटेस्ट न्यूज जो बहुत ही ज़बरदस्त है। एमपी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, उनके लिए एमपी में जेल पहरी का रूल बुक आ चुकी है। आइए अपन फटाफट जानते हैं इसमें क्या योग्यताएं हैं और क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आवेदन आवेदन करने की तिथि स्टार्ट हो रही है 27 जुलाई से, 27 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक, 10 अगस्त तक आवेदन की अंतिम तिथि है। इसमें आप संशोधन कर सकते हो 15 अगस्त तक, मतलब आप कुछ गलती हो जाए तो आप ठीक कर सकते हो। परीक्षा की डेट जो दी है वो 3 तारीख से लेके 10 नवंबर 2020 के बीच में होगी। जो अनारक्षित श्रेणी के, जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए फीस रखी गई है 500 रुपये, 500 रुपीज़। और जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या निःस्त्रीजन होते हैं, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके लिए 250 रुपये। और जो बैकलॉग से आते हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। उसके अलावा किसी भी माध्यम से ऑनलाइन भरने पर अभ्यर्थी को एमपी ऑनलाइन का 20 रुपये पोर्टल दे होगा। इसके बाद एग्ज़ाम कब कब होंगे, एग्ज़ाम कब कब होंगे आइए जान लेते हैं। देखो, तीन परीक्षा की डेट और दिन है 3 नवंबर से लेकर 10, प्रथम पाली में होगी। देखो, अभ्यर्थी को रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक उसको सेंटर पे पहुंच जाना है। उसके बाद उसको उत्तर अंकिता जो आंसर शीट मिलेगी वो 9 बजे से लेके 12 बजे तक होगी, मतलब 3 घंटे का पेपर होगा। द्वितीय पाली में भी आपको 12 बजे से 1 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम, मतलब सेंटर पहुंच जाना है, और 2 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबका आधार पंजीयन, मतलब आपके पास आधार रजिस्टर होना चाहिए और उससे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ये इसका आपका सैलरी की बात कर लेते हैं। आपका वेतनमान रहेगा आपका 5,200 से लेके 20,200, और 1900 का ग्रेड पे रहेगा, सातवां वेतन रहेगा इसके ऊपर। इसमें आरक्षण तालिका दी है कि किस किस के लिए कितनी पोस्ट है। देखो, सीधी भर्ती, जेल पहरी, कार्यपालिका, इसके लिए अनारक्षित मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 105 पोस्ट हैं, 33 ओपन और 14 महिलाओं के लिए, होमगार्ड के लिए 11, महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए 7, टोटल अनरिजर्व के लिए 11, 105 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 11 पोस्ट हैं। और इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति जो उसके लिए 45 हैं। उसके बाद आप पिछड़ा वर्ग के लिए 76 हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 76 है। और ये जो सीधी भर्ती जेल, ये संविदा कर्मचारी उनके लिए 20% आरक्षण दिया गया है। उनके लिए 21 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति में 9 है, अनुसूचित जनजाति में 11 है, और पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी के लिए 15 है। आइए जान लेते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको 10+2 सिस्टम के अधीन कम से कम हाई स्कूल में, आपका डाउट क्लियर करता हूँ, हाई स्कूल मतलब 10th परीक्षा आपने उत्तीर्ण करी हो, आपने पास की हो, या पुरानी सिस्टम से आपने हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण पास करी हो जो पहले चलती थी, जैसे कि 11वीं। शारीरिक मापदंड, पुरुषों के लिए आपकी ऊंचाई होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, और सीना फुलाने के बाद आपका 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप आवेदक की दोनों आंखें दृष्टि समान रूप से होनी चाहिए, है ना, उपयुक्त दृष्टि उपयुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए और कोई भी दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। मेडिकल फिट होना आवश्यक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है।
भारत का नागरिक होना जरूरी है उसके लिए? ये अपन एज की बात कर लेते हैं। एज बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देखो, जो पुरुष हैं उनके लिए सामान्य और अनारक्षित श्रेणी में न्यूनतम आयु आपकी 18 ईयर्स होना चाहिए, 18 वर्ष, और 33 ईयर्स होना चाहिए मैक्सिमम, ये अनरिजर्व की है। लेकिन सुनो, जो महिला आवेदक हैं, जो अनारक्षित में आती हैं और महिला आती हैं, उनके लिए पुरुष और महिला आवेदक जो अनुसूचित जाति SC ST और OBC में आते हैं, शासकीय निगम या स्वदेशी कर्मचारी हैं, तो उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब उसके लिए 38 ईयर्स हो जाएगी। अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना आपको 1 जनवरी 2020 से की जाएगी, 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। ये प्रथम लिखित परीक्षा होगी आपकी, लिखित परीक्षा होगी मध्य प्रदेश के। लिखित परीक्षा में जो 100 प्रश्न आएंगे, 100 अंकों का होगा वो, और प्रत्येक प्रश्न 2 घंटे की अवधि, केवल एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें सामान्य ज्ञान हिंदी अंग्रेजी सामान्य गणित सामान्य विज्ञान हाई स्कूल के लेवल का आएगा। ये आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के लिए आपको 800 मीटर की दौड़ होगी आपकी, जो आपको 2 मिनट 50 सेकंड में पूरी करनी होगी पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए ये 4 मिनट 4 मिनट की होगी, और भूतपूर्व सैनिक की 3 मिनट 15 सेकंड की होगी। 800 मीटर की दौड़ मतलब पुरुष को करना पड़ेगा 2 मिनट 50 सेकंड में, महिला करेगी इसको 4 मिनट में, और भूतपूर्व सैनिक करेंगे इसको 3 मिनट में। गोला फेंक होगा, 20 फिट का गोला रहेगा, गोले का वजन 20 फिट फेंकना है, 7.260, महिलाओं के लिए 16 फिट फेंकना है, 4 किलोग्राम का रहेगा वो, और भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए ये 15 फिट का। यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोल फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। बाकी सब इसी दिया है, जैसा आपको मालूम है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। आपके सिलेबस के बारे में और बात कर लेते हैं। मेन चीज़ें, अनुसूचित श्रेणी की जो फीस लगेगी वो 500 लगेगी, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये, निशान के लिए 250 रुपये, 60 रुपये आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, अगर आप अमेंडमेंट करते हो प्रश्न संख्या, अगर अगर आप संशोधन करते हो कि जाए तो 20 रुपये आपसे अलग लगेगा, और पोर्टल का शुल्क 50 रुपये अलग लगेगा, मतलब टोटल 70 रुपये। ये आपके सेंटर हो सकते हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, ये 16 जगह आपके सेंटर हो सकते हैं एग्जाम के लिए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। और आपका 100 अंकों का पेपर होगा, प्रश्न पत्र होगा, इसमें सामान्य ज्ञान टोटली वो तो 20 20 नंबर में डिवाइड है, सामान्य ज्ञान 20 नंबर का, सामान्य हिंदी 20 नंबर का, अंग्रेजी 20 नंबर की, गणित 20 नंबर की, विज्ञान थी, और उसने 10+2 सिस्टम के अंतर्गत आपने हाई स्कूल परीक्षा पास कर ली हो, आपने हाई स्कूल परीक्षा पास कर ली हो, 10 20 स्तर का पाठ्यक्रम रहेगा इसमें, 10 20 स्तर का पाठ्यक्रम रहेगा इसमें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।